फिर बर्दाश्त नहीं होते, तो दैट्स द वन थिंग जो हम एंड बर्फ में थोड़ा रिस्की हो जाता है सिंस हम सॉरी मबो इट्स मबो विलेज वेलकम टू रानाघाट ब्रिज So good morning everyone and welcome back to my YouTube channel Saraya Digital Network and this is the third video of today of my travel series and maybe this will be the last video wo baat mein pata chalega वैसे अभी आपका टाइम हो रहा है 7:11 एंड अभी लाइक हम जस्ट फ्रेश अप होके उठा है और हम जिस रिजॉर्ट में बैठा है उस और हम जिस होम स्टे में बैठा है अभी आप सभी को दिखाएगा तो बाहर चल के दिखाते हैं आपको कि ये कौन सा टाइप का है सो देयर इज माय ब्यूटीफुल कार ग्रैंड आइटन माय बिलव्ड और इसका ही साइड में देखो यहाँ पे अच्छा अच्छा व्यू है और ठीक इस तरफ में भी आपको थोड़ा एक नेचर के साथ जुड़ने का व्यू मिल जाएगा एंड दिस इज द होम स्टे आई वाज स्टेइंग दैट इज मितो होम स्टे रोइंग में है अब मैं सर्च करेगा मिल जाएगा MITO ओमितो एंड यहाँ से अंदर जाने से एट द वेरी फर्स्ट यू हैव बैठने के लिए एक जगह है ये जो पूरा मतलब बेम्बू से बनाया है केन से सी सिमिलरली इस साइड में है फिर यहाँ आ जाता है हम लोग का ये भी केन से बना है और ये आपको चारकोल कलर में है नॉट ब्लैक एंड अभी यहाँ पे दो रूम्स है ये ऑक्यूपाइड है ये वाला मेरा है और अभी अंदर चल के देखेगा प्राइस आपको लास्ट में बताएगा सो ये पूरा रूम मेरा है सो फर्स्ट में ही यहाँ में बैठने के लिए एक जगह मिल जाता है आपको सी यहाँ पे भी कोई सो सकता है यहाँ पे दो आदमी जैसे सो सकता है एंड अंदर जाने से फिर ये आ जाता है हम लोग का मेन बेडरूम दिस इज़ द बेड यहाँ पे आपको एडजस्ट करके तो चार आदमी आराम से सो सकते हैं बट तीन आदमी का है और रूम कुछ ऐसा है साथ में यहाँ पे ये लाइट्स दिया है अंदर में पौधा भी लगाया है जैसे देख रहे यहाँ में और वहाँ भी लाइट्स दिया है और अगर हम ये लाइट्स को बंद कर देगा तो एक बहुत मतलब प्लेजेंट और सुंदर सा वाइब मिलता है सी अभी क्योंकि वो सुबह है बल्कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा नहीं हो रहा अदरवाइज रात को बहुत सुंदर लग रहा था समथिंग लाइक दैट और आपको टीवी भी मिल जाता है और यहाँ से अभी और एक बार अंदर जाएगा तो हेयर वी हैव आवर डाइनिंग रूम अगर आपको कुछ खाना वाना दिए तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं छोटा सा डाइनिंग रूम है और ये जो है आपका यहाँ में भी कुछ कुछ रखा ये इन्वर्टर हो एंड हियर वी हैव आवर ग्लास और द लास्ट थिंग दैट एवरीवन इज कंसर्न्ड इज द बाथरूम सो दिस इज द बाथरूम यहाँ में आपको मिल जाएगा एक छोटा सा नलका एंड वहाँ पे है और ये वॉशरूम के लिए सिमिलरली वहाँ में भी है और यहाँ भी पौधा लगाया है एंड ट्रस्ट मी कोई भी फॉल्स स्मेल नहीं आ रहा है बाथरूम से और ये हम मेरा एक दिन का यूज़ का बाद बता रहे प्लीज़ यूज़ बैम्बू स्टिक व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इमरजेंसी रोड सो काइंड ऑफ लाइक दैट सो ये था मेरा होम स्टे जहाँ पे हमने एक रात बैठा था एंड इसका नाम है मितो होम स्टे और ये आपको मैप में आसानी से मिल जाएगा मार्केट से ये थोड़ा अंदर साइड में है बट नॉट टू वरी बहुत ही सेफ है और यहाँ में जैसे आपने देखा कि अंदर है तो इसमें बहुत साइलेंस है एंड लाइक बहुत प्लेजेंट है अगर आपको होटल में नहीं रह के कुछ इसे होमली फीलिंग वाला जगह रहना है तो आप यहाँ रह सकते हैं एंड इसका जो प्राइस जो हमको पड़ा है वो है 1500 सिंगल आदमी का बोलने से थोड़ा ज़्यादा है बट अगर आप लोग
चार पांच आदमी आता है और इसका अकोमोडेशन तो आपने देखा है, यहाँ आराम से है, देन आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, इट्स क्वाइट गुड। और यहाँ का वैसे हमने फूड तो अभी तक टेस्ट नहीं किया बिकॉज शाम को तो हमने डिनर बाहर कर लिया एंड अभी सुबह तो हम अभी निकलने वाला है। और बाकी यहाँ का जो मैनेजर है जो इसको देख रेख करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, बहुत हॉस्पिटैलिटी अच्छा है और आपको बहुत आसानी से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ आना है देन आप मैप में सर्च मारो तब आपको मिल जाएगा। और बाकी अभी आज हम निकलेगा द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ अरुणाचल में। सो दिस इज द रोइंग मार्केट। कल रात था तो आप सभी को दिखा नहीं पाया था, इससे पहले भी पीछे साइड जाने से भी आपको वहाँ मार्केट मिलेगा, बट अभी फिलहाल यहाँ है। एंड यहाँ बहुत सारा राइडर्स है, मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू अ प्लेस विच आई वॉज सपोज टू, बट कुछ कारण होने की वजह से हम नहीं जा पाया। एंड कुछ ऐसे टाइप है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। रोड जहाँ जहाँ अच्छा होता है वहाँ पे मार्केट ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाता है बिकॉज फिर उस हिसाब से मार्केट का डिज़ाइन नया इवॉल्व हो जाता है। एंड देयर इज़ द सेम थिंग विद रोइंग। एंड यहाँ से अभी हम लोग को सीधा जाते रहना है। ये एक मॉर्निंग व्यू हो गया आपका रोइंग मार्केट का। और जो कल हमने एक चीज़ को कंफर्म नहीं किया था वो कंफर्म है कि यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है AR-16 है, दैट इज़ व्हाट आई एम श्योर। जैसे हम लोग AR-04 है तो यहाँ वाला जो है AR-16। थैंक यू। सो ये है आपको रोइंग का जो अप्रोच, जहाँ से आप जब आएगा देन यू विल सी दिस ऑल काइंड ऑफ शॉप्स। और यहाँ कहीं आगे में जो पीछे छूट गया वहाँ पे मीट एंड नीट भी है। कल हमने वहाँ से रात को बर्गर लिया था फॉर इमरजेंसी केसेस बिकॉज हमको भूख ज़्यादा लगता है, दैट इज़ वाई। सुंदर है लेकिन समर्स में आई फील कि यहाँ बहुत गर्म होने वाला है बिकॉज प्लेन्स है, सो इट्स गोना बी हॉट एंड गर्मी हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होते, तो दैट्स द वन थिंग जो हमको लगता है यहाँ में होने वाला है प्रॉब्लम अगर हम गर्मी में विजिट करते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच गया रोइंग का चेक पोस्ट। ये है रोइंग का चेक पोस्ट। इसका जो गेट का डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू बालपुंग। पुलिस चेक पोस्ट स्टॉप एंड नाउ विल हिट द हाईवे। यहाँ से लेफ्ट साइड जाने से तो कल का रास्ता है जो नामसाई जाने वाला, बट वील गो स्ट्रेट। सो अभी हम लोग ने फाइनली हाईवे पहुंच चुका है एंड वन थिंग दैट आई डिड नॉट एंजॉय इन रोइंग वाज द नेटवर्क। पता नहीं कल क्या हुआ, मेरा किस्मत ख़राब था, एयरटेल का डायरेक्टली नेटवर्क अच्छा नहीं था, मतलब फ़ोन तो जा रहा था लेकिन नेट थोड़ा भी काम नहीं कर रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड एक्चुअली आज हम एक्चुअली जाने का बात था मयोध्या पास, जो कि रोइंग से थोड़ा ऊपर ही जाता है, जो वहाँ से रोइंग से एक दो घंटा का रास्ता है, बट फिर कल पता चला कि वहाँ पे हो रहे बहुत ज़्यादा बर्फ़ एंड बर्फ़ में थोड़ा रिस्की हो जाता है सिंस हम अकेला है, तो अगर बाई चांस की बात अगर गाड़ी कहीं फंस गया और कुछ हो गया तो हम अकेला फिर उसको निकाल नहीं पाएगा। और बहुत लोग का क्वेश्चन था कि अकेला है तो फ़ोटो कैसे खींच रहे इतना खुद का वाला, तो यहाँ में सो जैसे आपने देखा पीछे में ना एक स्टैंड है, मेरा DSLR का स्टैंड है, वो हम लेके आया था तो उसी के थ्रू से हम खींच रहे हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं द ओल्डेस्ट टाउन का तरफ, दैट इज़ पासीघाट, तो वहाँ जाके वहाँ से हम उसके बाद आज के आज ही ईटानगर निकल जाएगा। सो वील जस्ट एन्जॉय द जर्नी राइट नाउ। उससे पहले वील कम अक्रॉस मेबो एंड
विल आई थिंक बाईपास दम्बुक विलेज. सो वही है आज का जर्नी. अभी हम यही सोच रहा था कि अगर हम बाइक से आया होने से दैट टू R15 से तो मेरा क्या हाल होना था. हम आज रोइंग से रोइंग पहुंचना भी था क्या, हम या हम अभी पासीघाट जा रहा भी होना था क्या, बिकॉज बाइक में आदमी का एक अलग थकान हो जाता है, एक अलग जोश होता है. बट कल का जर्नी में हम थोड़ा भी नहीं थका, हम डायरेक्टली मज़ा से बैठा आज भी, इसलिए हम जल्दी उठ के हम निकल पाया. सो वही है डिफरेंस बिटवीन गाड़ी एंड बाइक. बट बाइक का एक अलग मज़ा है जो हम इन फ्यूचर कभी लेगा श्योरली. हम एक बार बाइक जब मेरे पास एक अच्छा वाला होगा मेरा खुद का, तब हम आएगा ये सब एक्सप्लोर करने. बिकॉज अभी रास्ता तो हमने देख लिया, तो यहाँ में बाइक आने में कोई तकलीफ नहीं है. एंड यहाँ आगे देखो रास्ता इतना सुंदर हो रहा है. एक स्ट्रेट रोड था ये अभी जस्ट, और ये एरिया लोग को देखो पूरा साइड साइड में जंगल जंगल. मतलब ये जैसे हमने एक बार बोला था अरुणाचल में रोड्स जो आसाम का जैसे चाहिए अच्छा, एंड जो सीनरी है वो अरुणाचल का होना है. एंड दैट विल बी द बेस्ट जर्नी एक्सपीरियंस. वही अभी हमको मिल रहा है. एंड यहाँ का रोड बहुत सीधा सीधा है, मतलब गाड़ी भगाने में बहुत आराम है. ऑन द वे टू पासीघाट इतना सुंदर वाला एक जगह मिला हमको. यहाँ में जिसे आप देख पा रहे पूरा हाईवे है, और इसका पीछे में इतना लंबा लंबा कर रहे घास है, तो इट्स लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल. तो ये बहुत सुंदर लग रहा है अभी, जैसे कि आप देख पा रहा होगा मेरे पीछे में. तो यहाँ में हम अभी एक फ़ोटो भी लेगा. अभी हम पहुंच चुका है मेबो, एंड यहाँ आपको आगे में दिखाई दे रहा है, पता नहीं लिखा नहीं दिखाई देगा, दैट्स पासीघाट पुलिस लिखा है. दैट मीन्स आई हैव एंटर्ड इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. और इस साइड से कहीं मेबो जाते ऐसे मैप में बता रहा था. सो यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकल जाएगा. सो या दिस इज मी ओजिन सराय इन मेबो. सॉरी मबो, इट्स मबो विलेज. ऑलराइट, ये अभी जो आगे में जो बैरिकेड है इसमें लिखा है पासीघाट पुलिस. दैट मींस हम लोग पहुंच गए एशिया. कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 13 फॉर 15 किलोमीटर्स. यहां से सीधा जाने से पासीघाट है. सो यहां से सीधा सीधा हाईवे फिर मिलने शुरू हो जाएगा. इससे पहले जो मबो से पहले जितना भी हमको मतलब मबो और दम्बू के बीच में जो रास्ता था वो बहुत ही टर्निंग टर्निंग वाला था, घाट सेक्शन टाइप का था. रोइंग से जो मबो का डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर्स एज इन माई ओडोमीटर. Thank you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रानाघाट ब्रिज दैट इज अपॉन द माइटी सियांग रिवर। और अभी हम आप सभी को थोड़ा देर में दिखाएगा सियांग रिवर, बट उससे पहले आप ये ब्रिज का एक बार ओवरव्यू देख लो। ये है आपका रानाघाट ब्रिज, जो पासीघाट का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। So once again, here is my car on the Ranaghat Bridge, also known as Siang Bridge. Aur yahan se theek strip mein, here it is, the mighty Siang River. Dekho abhi thoda green aur bluish color mein hai. Ye jo hai wahan upar se aate and ye abhi niche ja ke Assam mein mil jayega. So jaise ki aap dekh sakte, it's really beautiful. Aur jaise humne bola tha, यहाँ साइड का जो है नदी का थोड़ा अलग है। यहाँ देखो पूरा गिट्टी जमा होके बैठा है एंड दैट्स ऑल द माउंटेन्स और ये सब पूरा, मतलब बहुत बढ़िया से यहाँ बैठने के लिए आराम है। सो फाइनली आई एम हियर एट द पासीघाट्स मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट इज सियांग रिवर। एंड रानाघाट ब्रिज सिर्फ हम अकेला नहीं, साथ में मेरा गाड़ी भी आया है। दैट्स एविडेंट इन द वीडियो, एज यू कैन सी नाउ हियर, दिस इज द माइटी सियांग रिवर ब्रिज। सो हियर इज आई लव पासीघाट एंड ब्रिज का साइड में है। फिलहाल अभी इसको आने वाला जो रास्ता जो है बंद करके रखा है, सो इसलिए बट यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का आदमी था, वो बोला आप खींच लो बोल के, उसने कंसीडर करके हमको आने दिया। एंड दिस इज़ द व्यू, बहुत सुंदर लग रहा है। जस्ट लुक एट द रोड्स ऑफ पासीघाट, इतना प्लेन और इतना सीधा एंड प्लस इतना स्मूथ हाईवे है। ऐसे हम लोग वहाँ होने से तो हम लोग के लिए तो डिस्टेंसेस लोग डायरेक्टली इजीली हम लोग क्लॉक कर देना था। यहाँ से राइट जाने से शायद कहीं जाता होगा बोडाक सिरगी ये सब, लेकिन हम लोग को जाना है यहाँ से लेफ्ट। एंड पासीघाट में यहाँ पे एक बहुत पुराना कॉलेज भी है, जेएनसी कॉलेज। बहुत सा जो हम लोग का पापा का ज़माना का लोग वहीं से पास आउट हुआ है, क्योंकि वो अरुणाचल का सबसे फर्स्ट कॉलेज था। इवन मेरा पापा भी वहीं से पढ़ा हुआ है। बट हम देखिएगा आज हम जा पाएगा ना नहीं पाएगा, बिकॉज अभी लाइक थोड़ा लेट भी हो रहे हैं एंड टुडे इटसेल्फ हमको पासीघाट से निकल के ईटानगर भी पहुँचना है। सो आई विल सी कि अगर देख पाते हैं तो बात अलग है, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम जो पासीघाट डायरीज होगा या जो भी मेरा घूमने वाला होगा उसमें हम आप सभी को दिखा देगा। सो दिस इज द जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट, एस्टैब्लिश्ड 3 जुलाई 1964 एंड ये इसका गेट है। सो फाइनली एंटरिंग द फर्स्ट कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड लास्ट टाइम जब हम आया था उस समय से प्रीमाइसिस जो है बहुत सुंदर है इस बार का। लास्ट टाइम इवन रास्ता भी बहुत छोटा था, बट इस बार जो है थोड़ा रास्ता बड़ा भी हुआ है एंड लाइक बहुत सुंदर लग रहा है। एंड ये मेरा पापा का फर्स्ट पापा का कॉलेज, फर्स्ट तो नहीं बोलेगा। एंड यहाँ सब में है, ये है कॉलेज का आपको एक फर्स्ट बिल्डिंग मिलता है। एंड जस्ट छोटा सा एक टूर ले लेगा, यहाँ पे भी आपको साइड में एक बिल्डिंग है, इस प्रकार का कुछ है जेएनसी कॉलेज। एंड यहाँ से रास्ता ख़राब है एंड ये सब पूरा कॉलेज प्रीमाइसिस है। दिस इज द कैंपस ऑफ जेएनसी पासीघाट, दिस आर ऑल द बिल्डिंग्स आउट हियर। Just taking a small walk. Time abhi ho raha something around 12 and I need to rush, but phir bhi bahut samay baad aaya, then I will just see. इसमें बहुत सुंदर हाल है। ये जो है जेएनसी का स्टेयरकेस है, यहाँ से नीचे उतरने से
अब जेएनसी का ऑडिटोरियम पहुँचेगा एंड दैट्स द रोड, वहाँ से हम आया था। सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। सो थोड़ा सा हमने जूम किया है, ये वाला जो हाईवे का ठीक इधर में, यहाँ में आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्लेन एरिया, ये जो है पासीघाट का एयरपोर्ट है, एयरफील्ड है। यहाँ से प्लेन जो टेक ऑफ होता है, अभी पासीघाट में भी एयरपोर्ट है, बहुत पहले से था लेकिन अभी जस्ट रिसेंटली फंक्शन में आया। सो दिस इज़ द एयरफील्ड ऑफ पासीघाट। सो दिस इज़ द पासीघाट टाउन एज यू कैन सी, एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर पासीघाट ईस्ट सियांग इज AR09। कुछ इस टाइप से है यहाँ का टाउन। सुबह हम लोग ने रोइंग देखा था एंड अभी हम लोग देख रहे हैं पासीघाट। यहाँ मेरा आगे में आप देख रहा होगा एक ब्लोरो है जिसका रजिस्ट्रेशन है AR09। दिस इज द ब्यूटिफुल टाउन, द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये है आपको होटल सेरेन, जहाँ पे पहले ये जो जब वो शूटिंग हुआ था, एक मूवी शूटिंग हुआ था वहाँ में सैफ अली खान। सो अभी टाइम हो रहे 8:45 एंड फाइनली हम ईटानगर पहुँच चुका है एंड मेरा टोटल किलोमीटर्स है 848। सो ये था मेरा पूरा सर्कल ईटानगर से नमसाई वाया डिब्रूगढ़ एंड वापस आते समय में पासीघाट होके आया था। सो अगर आप सभी ये वीडियो जो है अपना घर में लेट के या बैठ के देख रहे हैं अपना मोबाइल में, तो एक लाइक कर दो मेरा इस छोटा सा मेहनत के लिए, इतना जगह जा के वीडियोस बनाया। ऑब्वियसली मेरा ट्रैवलिंग भी था बट इस ट्रैवलिंग के थ्रू आप सभी को साथ लेके गया। एंड अगर आप सभी ने मेरा वीडियो के साथ थोड़ा कनेक्ट कर पाया मेरा POV के साथ, सो एक लाइक ज़रूर कर दो और एक अच्छा से कमेंट डाल दो, सो दैट आई विल बी इंस्पायर्ड एंड और हम व्लॉग्स करेगा। अभी तक मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ बट स्टिल आई डोंट केयर, क्योंकि ये वीडियोस हम मेरा अपने लिए और आप सभी के लिए बनाते हैं, ना कि फॉर मोनिटाइजेशन एंड ऑल। एंड बाकी अभी वैसे हम बहुत थक गया, सो आप सभी को इतना बोलेगा हम जितना घूमा आप भी उतना घूम सकते हैं, घूम के आओ जो भी जगह हमने दिखाया। और बाकी क्या, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, बाय। Oh, 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 oh